बिग बॉस के घर में अब एक तरफ जहां सुरभि राणा को बिग बॉस के फिनाले का टिकट मिला, वहीं बाकी के 6 प्रतियोगियों करणवीर, दीपिका, श्रीशांत, रोमिल, दीपक और सोमी को अभी भी घर से बेघर होने का डर है। वहीं रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी और सारा अली खान ने बिग बॉस के घर में कल एंट्री ली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और अगर आपने कल ये एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं लेकर आई हूं आपके लिए टॉप 10 हाइलाइट्स। बिग बॉस सीजन 12 का आखिरी वीकेंड का वार अब इससे ज्यादा धमाकेदार नहीं हो सकता था, क्योंकि इस वीकेंड पर रणवीर सिंह, सारा अली खान और रोहित शेट्टी, सलमान खान बिग बॉस के घर के बाकी 7 कंटेस्टेंट से मिलने आए हुए थे। रणवीर सिंह, सारा अली खान और रोहित शेट्टी ने बिग बॉस के मंच पर अपनी आने वाली फिल्म सिम्बा को प्रमोट किया। उन्होंने इस फिल्म के गाने आला रे आला सिम्बा आला रे बिग बॉस के घर में शानदार एंट्री की थी। सलमान खान ने टीम से करण जौहर के न आ पाने की वजह पूछी। ऐसे में रणवीर सिंह उनकी नकल उतारते हुए नजर आने लगे। इसके बाद सलमान खान ने करण जौहर के अंदाज में सारा अली खान और रणवीर सिंह से रैपिड फायर खेलने का फैसला किया। इस खेल का नियम ये था कि उन्हें करण जौहर की ओर से सभी सवालों के जवाब देने थे और उनका जवाब केवल हाँ या फिर नहीं या कभी नहीं देना था। सलमान खान, रोहित शेट्टी और सारा अली खान ने रणवीर सिंह से बेतरतीब सवाल पूछे और उन्होंने पूरे दौर में करण जौहर बनकर दिखाया। एक उदाहरण दे तो रणवीर सिंह ने करण जौहर के पसंदीदा गीत राधा तेरी चुनरी पर भी डांस किया, जिसे देखने के बाद ऑडियंस के लिए अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो गया था। इसके बाद सारा अली खान, रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी बिग बॉस 12 में घर वालों से मिलने के लिए गए। हालांकि इससे पहले कि वो घर में जाते, सलमान खान ने घर वालों से कहा कि वो 1 से लेकर 7 तक की लिस्ट में एक दूसरे को रैंक दें और साथ ही साथ इस बात का भी फैसला हो जाए कि टॉप 3 में कौन पहुंच पाएगा। सभी ने अपने विचारों और रैंक को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सलमान खान ने इस पर उनसे सवाल किया और प्रतियोगियों को एहसास कराया कि उन्होंने लास्ट में जिसे रखा है वाकई में वो आगे की रैंकिंग डिजर्व करता है। सलमान खान ने घर वालों को बताया कि अब घर वालों को बिग बॉस के घर में कुछ दिन तक ही रहना है, ऐसे में वो अंदाजा लगा लें कि आखिर टॉप 3 तक कौन पहुंच पाएगा। अब एक तरफ जहां सुरभि राणा को बिग बॉस के फिनाले का टिकट मिल चुका है, वहीं उनके साथ बाकी के 6 प्रतियोगियों करणवीर, दीपिका, श्रीशांत, रोमिल, दीपक और सोमी को अभी भी घर से बेघर होने का डर बना हुआ है। अब बिग बॉस के घर में कौन फिनाले में अपनी जगह बना पाएगा और कौन इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।